all of you all. उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने कल और परसों के काफी जगह की बाढ़ पलामू की दिखलाई थी और रांची की भी दिखलाई थी। आज मैं दिखला रहा हूँ 17 सितंबर 2024 की आने वाली पलामू की भयंकर बाढ़। पलामू का नदी आप केरल नदी देख रहे हैं, ये 17 सितंबर 2024 का लबालब भरी नदी। देखिए सीढ़ियों के ऊपर पानी आपको यहाँ तक पहुँच गया है। ये कोवेल रिवर व्यू फ्रंट पर लोग आए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं पानी कितना तेजी से फैल रहा है, पानी और बढ़ेगा। मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि पानी वर्षा ऊपर हो रही है और वर्षा लगातार हो रही है तो पानी बढ़ने वाला ही है। तो बने रही हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग झारखंड से और देखिए हमारे पलामू के बाद। और भी अगर नई वीडियो आएंगे और जो भी मेरे पास आएगा नया आपको मैं दिखलाऊंगा वहाँ पर पहुँच करके। तो आप देख सकते हैं कितना पानी का कितना रफ्तार है और कितनी रफ्तार से पानी की टकराहट यहाँ पर हो रही है। देखिए ये पानी की रफ्तार काफ़ी और वर्षा भी जारी है। ये सितंबर 17 का सुबह का समय है और आप देख सकते हैं बाढ़ काफ़ी तेज़ी से यहाँ पानी बढ़ता हुआ। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें, अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी रफ्तार पानी का पूरे रफ्तार के साथ चल रहा है। कल मैंने बटाने डैम का दिखाया था और रांची का ही बताया था। चारों तरफ से यहाँ चार फाटक यहाँ पर रांची के भी खोलने पड़ गए यहाँ पर सांसर डैम के। यही स्थिति समावेश पूरे झारखंड के हर क्षेत्रों में है। और गढ़वा का कल कई पुल का इलाका टूट गया और गढ़वा में तो पानी की सप्लाई जो कि बेलचंपा से आती थी वो पानी का पाइप टेढ़ा हो गया, जिस कारण लगभग एक हफ्ते तक वहाँ कैजल का हाहाकार मचा रहेगा। पलामू में काफ़ी बाढ़ ने और पानी ने तबाही मचा रखी है। तो देखिए आपके सामने ये रौद्र रूप लिए हुई कोयल नदी। कोयल नदी का किनारों से उठती हुई, किनारों से टकराती हुई आप देख सकते हैं। और बना रहिएगा हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे, देखिए आगे कैसे कैसी कोयल में कैसी उफान और तूफान आता है।
Thank you.